दोस्तों अगर आप भी स्मृति मंधाना को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वुमेन आईपीएल में आरसीबी ने खेला सबसे बड़ा दांव। भारतीय टीम की स्टार स्मृति मंधाना को करोड़ों रुपए देकर किया अपने खेमे में शामिल, तो खुशी से उछल पड़ी स्मृति मंधाना। बेंगलोर का हिस्सा बनने के बाद आंखों में खुशी के आंसू लिए स्मृति ने जो कुछ भी कह दिया है उसकी बातें सुनकर आप भी स्मृति को दिल से सलाम करेंगे। और आखिर विराट कोहली से लेकर स्मृति ने क्या कुछ कहा उनके दिल छू लेने वाले बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल की तर्ज पर बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए वुमेन आईपीएल कराने का ऐतिहासिक फैसला किया, जिसके लिए आईपीएल की 5 टीमों ने कमर कस ली थी। 13 जनवरी के दिन पहली बार वुमेन आईपीएल का ऑक्शन मुंबई में कराया जा रहा था, जिसमें 409 महिला खिलाड़ियों की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। दोस्तों वुमेन आईपीएल ऑक्शन की शुरुआत हुई भारतीय टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना के नाम। जैसे स्मृति का नाम सामने आया उन्हें अपने खेमे में जोड़ने के लिए मुंबई से लेकर बेंगलोर सभी ने कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोई भी स्मृति जैसे खिलाड़ी को अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहता था। 50 लाख के बेस प्राइस से शुरू हुई बोली देखते ही देखते करोड़ से लेकर 2 करोड़ पार हो गई, लेकिन अभी भी कोई टीम हार मानने को तैयार नहीं थी। पहले वुमेन आईपीएल में अपनी टीम में स्मृति मंधाना को जोड़ने के लिए सभी हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन अंत में सभी को पछाड़ते हुए बेंगलोर ने बाजी मार ली और 3 करोड़ 40 लाख में उन्होंने स्मृति मंधाना का अपने साथ जोड़ने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया। इसी के साथ स्मृति अब तक की आईपीएल की सबसे महंगी खिलाड़ी भी बन गई हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें बेंगलोर ने अपने साथ जोड़ा उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जहां उनके साथ ही खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई दी तो बेंगलोर में जुड़ने पर स्मृति बेहद भावुक हो गई। जी हाँ दोस्तों, आखिर में आंसू लिए स्मृति ने जो कहा उस पर आपको भी शायद यकीन ना हो। आपको बता दें कि स्मृति ने बताया कि आज मैं बेहद खुश हूँ, बेंगलोर जैसे फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ना अपने आप में गर्व की बात है। विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी बेंगलोर का हिस्सा है और उनके साथ मुझे खेलने का मौका मिलेगा, उससे बड़ा सम्मान मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं बेंगलोर के मैनेजमेंट को मुझ पर भरोसा जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूँ। मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हम साथ में मिलकर आईपीएल की ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों स्मृति मंधाना का दिल जीत लेने वाले बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि बेंगलोर क्या वुमेन आईपीएल की चैंपियन बन पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।